हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, हर रोज आप सोशल मीडिया पर फेस वाले इमोजीज का यूज तो करते ही होंगे, लेकिन आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ये जानते होंगे कि इन फेस वाले इमोजीज का यूज हम किस सिचुएशन में किस फीलिंग के लिए करते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम फेस से रिलेटेड जितने भी इमोजीज हैं उनके नेम इंग्लिश में जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो गाइस, वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। गाइज, जब हम खुश या फिर पॉजिटिव रहने का दिखावा करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइज स्लाइटली स्माइलिंग फेस का, और जब हमारा बिहेवियर सिली और सार्केस्टिक हो जाता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइज अपसाइड डाउन फेस का, और जब आप सच में खुश होते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइज स्माइलिंग फेस विद स्माइलिंग आईज का, और बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम स्माइलिंग फेस का यूज करते हैं। जब हम जोक करते हैं या फिर किसी के साथ फ्लर्ट करते हैं या फिर हम कोई ऐसी बात कह देते हैं जिसका कोई हिडन मीनिंग होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस विंकिंग फेस का। किसी भी सामान्य चीज का आनंद लेने के लिए हम यूज करते हैं गाइस ग्राइनिंग फेस का, और किसी भी सामान्य खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं गाइस ग्राइनिंग फेस विद स्माइलिंग आईज का, और अगर आपकी खुशी बहुत ज्यादा है तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस ग्राइनिंग फेस विद बिग आईज का। जब हम किसी को चीज बोलने के लिए कहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस बीमिंग फेस विद स्माइलिंग आईज का। जब आप दिल से हंसते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस ग्राइनिंग स्क्विंटिंग फेस का, और जब आप खुश होने के साथ साथ थोड़ा सा नर्वस भी रहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस ग्राइंडिंग फेस विद स्वेट का। जब कोई चीज फनी रहती है तो उसको शो करने के लिए हम यूज करते हैं गाइस फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय का, और जब आप इतना हंसते हो कि हंसते हंसते जमीन पर लौट जाते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। किसी को ब्लेसिंग्स देने के लिए या फिर किसी को एंजल बताने के लिए हम यूज करते हैं गाइस स्माइलिंग फेस विद हेलो का। जब आप किसी के प्यार में रहते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस स्माइलिंग फेस विद हर्ट्स का, और जब आप प्यार में हो और आपके अंदर एंथुजियास्टिक फीलिंग्स हो तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं गाइस हम स्माइलिंग फेस विद हर्ट आईज का। जब कोई चीज अमेजिंग होती है या कोई पर्सन फैसिनेटिंग होता है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं गाइस स्टार स्ट्रक का, और जब कोई किसी को किस देकर गुड बाय या गुड नाइट बोलता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस फेस ब्लोइंग अ किस का। सीटी बजाने के लिए हम यूज करते हैं गाइस किसिंग फेस का। किसी को प्यार या लगाव दिखाने के लिए हम यूज करते हैं गाइस किसिंग फेस विद क्लोज्ड आईज का, और किसी को थोड़ा प्यार या लगाव दिखाने के लिए हम यूज करते हैं गाइस किसिंग फेस विद स्माइलिंग आईज का। जब आपको पेन होता है और उस पेन में भी आपको मजा आता है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं गाइस स्माइलिंग फेस विद टीयर का। जब आप कोई स्वादिष्ट भोजन खाते हो या फिर आपने पहले ही खा लिया है तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस फेस सेवरिंग फूड का। फन, क्यूटनेस और एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं गाइज हम फेस विद टंग का, और जब आपसे कोई सिली मिस्टेक हो जाती है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं गाइज हम स्क्विंटिंग फेस विद टंग का। जब आप मजाक में अजीब हरकत करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइज जेनी फेस का, और अगर वह हरकत थोड़ी सी हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइज विंकिंग फेस विद टंग का। जब आप बहुत ज्यादा पैसों में डील करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइज मनी माउथ फेस का। किसी को गले लगाकर थैंक्स बोलने के लिए या फिर अपना प्यार शो करने के लिए हम यूज करते हैं गाइस स्माइलिंग फेस विद ओपन हैंड्स का, और जब आप मजाक में उप्स बोलते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस फेस विद हैंड ओवर माउथ का। जब कोई चीज डरावनी होती है फिर डिस्गस्टिंग होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस फेस विद पिकिंग आईज का, और किसी को इस तरह से चुप कराने के लिए हम यूज करते हैं गाइस शूशिंग फेस का। जब आप किसी चीज के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे होते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस थिंकिंग फेस का, और किसी को रिस्पेक्ट शो करने के लिए हम यूज करते हैं गाइस सल्यूटिंग फेस का। किसी को बात करने से रोकने के लिए या फिर किसी का सीक्रेट रखने के लिए हम यूज करते हैं गाइस जिपर माउथ फेस का। जब आप किसी चीज पर संदेह करते हैं या फिर किसी पर भरोसा नहीं करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस फेस विद रेज्ड आईब्रो का, और जब आपको थोड़ी सी इरिटेशन या फिर चिंता होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस न्यूट्रल फेस का। फ्रस्ट्रेशन या फिर नाराजगी को शो करने के लिए हम यूज करते हैं गाइस एक्सप्रेशनलेस फेस का, और जब आपके पास कहने के लिए कुछ शब्द नहीं होते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस फेस विदाउट माउथ का। जब कोई चीज गायब हो जाती है फिर इतनी छोटी हो जाती है कि दिखती नहीं है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं गाइस डॉटेड लाइन फेस का। फोगी स्टेट ऑफ माइंड या कोई पर्सन स्मोक के अंदर दिखाई दे तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस फेस इन क्लाउड्स का। जब आप एक अनप्लीजेंट स्माइल देते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस स्मोकिंग फेस का। जब आप ना खुश रहते हैं तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं गाइस हम अनअम्यूज्ड फेस का। जब आप शर्मिंदगी या फिर निराशा महसूस करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस मेल्टिंग फेस का। जब आप थोड़ा सा बोर होते हैं या फिर किसी को रिस्पेक्ट शो नहीं करते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस फेस विद रोलिंग आईज का। सुई लगवाते समय जब आप नर्वस फील करते हो या फिर कोई भी कड़वी चीज खाने के बाद ऑकवर्ड फेस बनाते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस ग्रिमेसिंग फेस का।
जब आप राहत महसूस करते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस फेस एक्सेलिंग का। जो इंसान झूठा होता है या फिर झूठ बोल रहा होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस लाइंग फेस का। जब आप संतुष्टि या शांति महसूस करते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस रिलीव्ड फेस का। जब आप हर्ट होते हो या फिर लोनली रहते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस पेंसिव फेस का। जब आप किसी पर्सन या फिर स्वादिष्ट भोजन के लिए डिजायर रखते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस ड्रूलिंग फेस का। हवा में जो बीमारियां रहती हैं उसको अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं गाइस फेस विद मेडिकल मास्क का। जब आपको फ्लू होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस फेस विद थर्मामीटर का। और जब आपके सिर में चोट लग जाती है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं गाइस फेस विद बैंडेज का। जब आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आप उल्टी करने वाले हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस नोजिएटेड फेस का। और जब आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस वोमिटिंग फेस का। जब आपको ठंड या फिर एलर्जी की वजह से जुकाम हो जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस स्नीजिंग फेस का। जब हाई टेम्परेचर की वजह से आपको बहुत गर्मी लगती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस हॉट फेस का। और जब आपको लगता है कि इतनी ठंड पड़ रही है कि आप जम ही जाओगे तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस कोल्ड फेस का। जब कोई इंसान इतनी शराब पी लेता है कि वो अपने ऊपर कंट्रोल भी नहीं रख पाता तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस वूजी फेस का। जब आप शॉक या फिर आश्चर्यचकित होते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस फेस विद क्रॉस्ड आउट आईज का। और जब आपको लगता है कि चक्कर आ रहे हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस फेस विद स्पाइरल आईज का। जब कोई चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग या फिर आश्चर्यचकित कर देने वाली होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस एक्सप्लोडिंग हेड का। जब आप एडवेंचर या फिर कॉन्फिडेंस को शो करना चाहते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस काउबॉय हेड फेस का। जब आप न्यू ईयर या फिर बर्थडे पर सेलिब्रेशन करते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस पार्टिंग फेस का। किसी को गुमराह करने के लिए हम यूज करते हैं गाइस डिसगाइज्ड फेस का। जब आप ये दिखाना चाहते हो कि आप बहुत ज्यादा कूल या फिर कॉन्फिडेंट हो, आपको किसी की परवाह नहीं है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस स्माइलिंग फेस विद सनग्लासेस का। जो इंसान क्लास का टॉपर होता है या फिर जिसका इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में रहता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस नर्ड फेस का। जब आप किसी चीज पर संदेह करते हुए बहुत देर तक सोचते रहते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस फेस विद मोनोकल का। जब आपको कंफ्यूजन या फिर हेजिटेशन रहती है या फिर आप थोड़ा सा दुखी रहते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस कंफ्यूज्ड फेस का। जब आप थोड़ा सा चिंतित या फिर सतर्क रहते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस वरीड फेस का। जब आप जिससे प्यार करते हो उसके लिए थोड़ा सा चिंतित या फिर निराश रहते हो, उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस स्लाइटली फ्राउनिंग फेस का। और अगर आप ज्यादा चिंतित रहते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस फ्राउनिंग फेस का। जब आप किसी चीज को देखकर वाओ बोल हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस फेस विद ओपन माउथ का। जब आप थोड़ा सा आश्चर्यचकित होते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस हर्स्ट फेस का। और जब आप बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस एस्टोनिश्ड फेस का। जब आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस फ्लश्ड फेस का। जब आप किसी के सामने गिड़गिड़ाते हो या फिर भीख मांगते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस प्लीडिंग फेस का। जब आप दुख में हो और उस पर्सन को थैंक्स बोलना चाहते हो जिसने आपकी दुख में हेल्प की तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस फेस होल्डिंग बैक टीयर्स का। जब आप काम की वजह से थोड़ा सा दुखी या फिर निराश रहते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस डाउनकास्ट फेस विद स्वेट का। जब आपको थोड़ा सा दर्द होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस क्राइंग फेस का। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है जिसमें आपको कोई भी संभाल ही नहीं सकता तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस लाउडली क्राइंग फेस का। जब आप दुखी भी रहते हो और निराश भी रहते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस एंग्विश्ड फेस का। जब आपको डर लगता है या फिर चिंता होती है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं गाइस एंग्जियस फेस विद स्वेट का। जब आपको राहत मिलने के बाद भी थोड़ी सी निराशा रहती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस सैड विद रिलीव्ड फेस का। और जब आप डर में चिल्लाते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस फेस स्क्रीमिंग इन फियर का। जब आप इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन या फिर सैडनेस पर काबू पा लेते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस कंफाउंडिंग फेस का। जब आपको स्ट्रेस या फिर रेग्रेट होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस डिसअपॉइंटेड फेस का। और जब आप दुखी होते हो और अपने आप को असहाय महसूस करते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस प्रिजर्विंग फेस का। जब आप गिव अप कर देते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस वेरी फेस का। जब आप थक जाते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस टायर्ड फेस का। पूरा दिन काम करके जब आपको थकान महसूस होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस स्लीपी फेस का। जब कोई उबासिया लेता है डेट मींस कि उसे नींद आ रही है तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस योनिंग फेस का। और जब कोई इंसान गहरी नींद में सो रहा होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस स्लीपिंग फेस का। जब आप फ्रस्ट्रेट या फिर इरिटेट होते हो तो उस समय जब आपको गुस्सा आता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस एंग्री फेस का। एंग्रीनेस और फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं गाइस हम फेस विद स्टीम फ्रॉम नोज का। जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस इनरेज्ड फेस का। और जब आपको इतना गुस्सा आता है कि आप गुस्से में गाली तक दे देते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस फेस विद सिंबल्स ऑन माउथ का। तो गाइस उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड लर्निंग इजी पीजी अंग्रेजी।